अमेरिका और इजराइल दुनिया के सबसे बड़े वॉर वेपन प्रोड्यूसिंग नेशन, हथियारों के बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट एशिया के ये दो मुल्क हैं इंडिया और पाकिस्तान। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नफरत के बीच कई सालों से बोई जा रहे हैं। ये कहानी भी ऐसी ही नफरत की एक साजिश की है। अरे ओ सांबा, बम्बई में कितने ब्लास्ट करना है रे सरदार? पूरे 6 जगह। चले पड़े जिस्म है यहाँ, खटी पड़ी लाशें भी है अपने पेटे। एक कूरियर आया था, उसमें वही डीवीडी थी। आतंक का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक मशाल ही काफी है, और इस अंधेरे की मशाल हम हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। बम बनाने के लिए एमोनियम नाइट्रेट और इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। इसमें आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। 6 के 6 आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनल हैं। तुम लोगों को पता भी है दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत खुशनसीब मान रहे हैं खुद को। कितना जहर भर देना धर्म के नाम पर। बहुत एकता हो गई हिंदू मुसलमान में, मिलके जिहाद कर रहे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही पूरा देश ही बोलने लगेगा। सर, आज कुछ पैसे दिखा के इंसान खरीदा जा सकता है, पर आम आदमी होता है कि महंगाई बहुत है। 30 लाख MBBS करने रसिया गया था, वहाँ मेरी दोस्ती एक इजरायली से हुई। लियो पार्टी, मरे आप उनके मजहब के भी लोग हैं और रोज मरते आपके कश्मीर में। हो सकता है तुम मारते रहोगे, वो भी वैसे ही मारते रहेंगे। ईदड़ों के हमले का इंतजार मत करो, अब हमें आजादी चाहिए, आजाद कश्मीर चाहिए। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, द एंटायर नेशन वॉन्ट्स टू नो। केस कैसे सॉल्व होगा ये मुझे भल्ला ऑलरेडी बता चुका है। भल्ला नेता का वो बेटा टेररिस्ट है जो रेव पार्टीज के जरिए टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंडिंग करता है। हर फिल्म स्टार की वो बिगड़ी हुई बेटी टेररिस्ट है जो रेव पार्टी की रात को इस देश को जलाने के लिए कोकेन कैश करती है। सर,